नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पक्षी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला लंबी चोच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था, उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होती ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पक्षी को देखने पहुँचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूँ, मैं स्वर्ग से उड़न तस्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूँ। उल्लू वन आपका स्वागत करता है। उल्लू प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताए कि आपका यहाँ आना क्यों हुआ? दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी, फलस्वरूप तुम सब दिन में नहीं देख पाते हो, इसलिए भगवान ने चश्मा भेजा है। इसे पहनकर तुम सब दिन में भी देख सकोगे, कौवा चश्मा दिखाकर बोला। आने और लौट कर जाने में होने वाले भारी खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक चश्मे का दाम मात्र 10 रुपए रखा गया है, जो चाहे खरीद सकता है। मैं सुबह स्वर्ग लौट जाऊंगा। वन के सब उल्लू चकित हो खुसुर फुसुर करने लगे। फिर एक उल्लू बोला, हमें कैसे विश्वास हो कि आपके चश्मे के गुण वही है जो आप कह रहे हैं? सूर्य उगने ही वाला है, अब परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा, कौवा बोला। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कौवे ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहनकर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चोंच खोली, किसने अपने पंख फड़फड़ाए, किस डाल पर कितने उल्लू किस दिशा पर बैठे हैं आदि। सभी को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बूढ़ा उल्लू जो जब तक एक ओर बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पंछी कौवा ही है, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि एक पंछी काला लंबी चोंच वाला कौवा होता है, वह दिन में भी देखता है, वह बेहद चालाक और ठग होता है, वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट लेता है। बूढ़े उल्लू ने अपना शक जब उल्लुओं को बता दिया, फिर बूढ़ा विचित्र पंछी से बोला, आप मुझे चश्मा पहना दें, अपने घर से पैसे ला देता हूँ। इस चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता, ऐसा भगवान का आदेश है। अब सब उल्लू संदेह करने लगे। कुछ देर बाद वह बूढ़ा उल्लू बोला, दूत भाई, बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हैं, अतः हम आपको स्वागत भोज देंगे, कृपया बरगद के खोखर में चलें। बरगद के खोखर में अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। कौवा ने नींद की दवा मिलाकर खाना खूब डटकर खाया और बिस्तर पर लेट गया। कौवे के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर बाहर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उल्लुओं ने प्रत्येक चश्मे का परीक्षा ली। संदेह अब पक्का हो गया था, अंधेरा फैल चुका था। कौवा बिस्तर से उठकर बोला, जो चाहे झटपट चश्मा खरीद ले, मैं अब स्वर्ग जाऊंगा। कौवा जी, हमने आपकी और अपने चश्मे की परीक्षा ले ली है, अब आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पड़ने लगी। कौवे ने उड़कर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौवा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहाँ? और सब उल्लू खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।